खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझ पर आरोप लगाए जा रहे थे कि मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी हूं और मेरा फोटो अंकिता के मित्र पुष्प को भेजा, जो कि मुख्य गवाह है, उसने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। लगातार मुझ पर आरोप लगाए जा रहे थे कि मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी जो हूं, मैं उमेश कुमार हूं। मेरा फोटो आईओ ने पुष्प को भेजा, जो मुख्य गवाह है, उसने भी मना कर दिया। उसने कहा भाई ये नहीं है। उनका बार बार यही कहना रहा लगातार कि भाई आप पहचान लीजिए, ये तो नहीं है, यही तो नहीं है। बार बार मेरा ये कहना है कि किसी भी मामले में कोई भी पुख्ता जांच शुरू करने से पहले सत्यता को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अंकिता हत्याकांड में लगातार हमने सीबीआई के लिए आवाज़ उठाई, उनके परिवार वालों की तरफ से वाद लड़ने के लिए भी पत्र लिखा, उनके परिवार को राहत राशि भी प्रदान की और हर तरीके से हमने इस मामले में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि पुलिस पुष्प पर दबाव बना रही थी कि आप इस शख्स को पहचानो कि कहीं ये वही वीवीआईपी तो नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस को किसी भी मामले में कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा किया जाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उन्होंने ही उठाई और परिवार को मुआवजा देने की बात कही गई। देखिए ऐसा है, ये मामला जो जागो उत्तराखंड वाले हैं, उन्होंने इसका खुलासा किया था। उन्होंने मुझे संपर्क करके बताया कि पुष्प ने उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा है जिसमें आईओ ने मेरे फोटोज भेज के पूछा कि ये तो नहीं है, और उन्होंने उसको फ़ोन किया कि भाई मुझे लग रहा है यही है, तो पुष्प ने कहा भाई ये नहीं है और पुष्प ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये तो विधायक खानपुर हैं, मैंने गूगल पे और इंटरनेट पे सर्च करके देख लिया, ये व्यक्ति नहीं है वो जिनकी वो बात कर रहे थे। तो ये पूरा प्रयास था कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उमेश कुमार का नाम इस कांड से जोड़ के इसको फ्रेम कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ आप सीबीआई जांच दो ना अंकिता हत्याकांड में, क्यों नहीं देते हो आप? दीजिए, सबके मोबाइल सबकी सीडीआर निकलनी चाहिए। विक्रम, मैं उसी बात के लिए कह रहा हूं कि आप इसकी सीबीआई जांच दीजिए। अगर जांच को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी ना किसी को उलझा कर उस मामले को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, और अगर ये झूठ है, तो मैं कहता हूं आप इसकी सीबीआई जांच दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर अन्य राज्यों में जरा से मामले के अंदर तत्काल सीबीआई दी जा सकती है, तो अंकिता भंडारी जैसे गंभीर प्रकरण के अंदर उत्तराखंड में क्यों नहीं दी जा सकती? इसके साथ उमेश शर्मा ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि कुमाऊं से आकर दिल्ली रहने वाली भावना नाम की एक महिला पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने महिला पर कई सवाल खड़े किए। जब कोई नहीं मिला तो किसने ये साजिश की, किसने नहीं की? उसके बाद लगातार एक महिला जो अपने को राज्य आंदोलनकारी बताती हैं, उन्होंने आत्मदाह का एक ढोंग रचने का प्रयास किया और आंदोलनकारियों के नाम को बदनाम करने का प्रयास किया। मैंने कुछ दस्तावेज बंटवाए हैं, इन दस्तावेज को अगर आप देख लें तो उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। पहला दस्तावेज ये है, इंडिया टुडे 2001, ये भावना पांडे हैं सीबीआई की गिरफ्त में। सीबीआई ने अपनी जांच में लिखा कि 1990 में कुमाऊं से दिल्ली आने वाली, इस पेज पर आप देख सकते हैं, कुमाऊं से दिल्ली आकर रहने वाली महिला जो कि एक स्मॉल टाइम कॉन्ड्यूट ब्रोकर यानी कि दलाल बनी, जिन्होंने कस्टम के चेयरमैन के नाम पर छोटे मोटे ट्रांसफर पोस्टिंग कराकर पैसा वसूलना शुरू किया, ये इसमें लिखा है। ये इंडिया टुडे ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लिखी है 2001 में। जब ये 1990 में सीबीआई कहती है कि ये दिल्ली चले गए थे, तो ये राज्य आंदोलनकारी कैसे हैं?